हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो साड़ी ड्रेपिंग बताने वाली हूं वो एक हैवी बॉर्डर वाली साड़ी ड्रेपिंग के रिगार्डिंग बताने वाली हूं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी हैवी साड़ी है, हैवी बॉर्डर वाली साड़ी है, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स का यूज़ करना है जिससे आप टाइट फिटिंग प्लस में बहुत ही प्यारे तरीके से साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा और इसमें बताए गए टिप्स को फॉलो करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। गाइज, ये है मेरी साड़ी और ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी। साड़ी का प्राइस बिल्कुल रीज़नेबल है, तो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको हमेशा साड़ी का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको राइट हैंड साइड से टक करना चाहिए ताकि एक प्लेन सरफेस मिल जाए। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप सर्कल लेते हैं तो अपनी साड़ी के लेंथ को देखते हुए चारों तरफ से पेटीकोट में साड़ी को टक कर लें। लेंथ आपको इतनी रखनी है कि आपका जो स्लीपर है, जो भी आप पहनने वाले हैं, वो हाफ़ कवर हो जाए। अब साड़ी के पल्ले को बैक साइड से लेके आएंगे और अपने शोल्डर पे कैजुअली रख देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर की लेंथ है, यानी पल्ले की लेंथ है, वो आपकी नीज़ एटलीस्ट नीज़ तक होनी चाहिए, यानी घुटनों तक होनी चाहिए। बॉर्डर वाला जो पार्ट है कमर के पास आपको लेके आना है और ऐसे टक कर देना है साड़ी के फैब्रिक को। टक करने के बाद आपको फर्स्ट बॉर्डर की चौड़ाई अपने नेवल से 4 फिंगर आगे लेनी है, ठीक है। और ये देखना है कि यस, फर्स्ट जो लेयर मेरी है, प्लीट है, वो एकदम सीधी बन रही है। उसके बाद जितनी भी लेते हैं वो आपको छोटी ही लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। इस टिप का हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट प्लीट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बट लास्ट बाकी की जितनी भी प्लीट्स हैं वो थोड़ी सी छोटी ही होनी चाहिए। पीछे की तरफ से थोड़ा सा आप फैब्रिक ज़रूर छोड़ दें हमेशा साड़ी का, ठीक है। और फिर उसके बाद सारी प्लीट्स को इस तरीके से गैदर करें, सारी प्लीट्स को देख लें कि हाँ इक्वल है या नहीं। इक्वल जब हो जाएं तो फर्स्ट प्लीट को थोड़ा सा नीचे कर दें एंड बाकी की प्लीट्स को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद पेटीकोट में टक कर दें। टक करने के बाद मेरे पास एक कमेंट आया था, दी लास्ट में बहुत सारा कपड़ा बच जाता है, फैब्रिक बच जाता है, क्या करें। तो आपको ना क्या करना है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ। जो ऊपर की तरफ जो फैब्रिक है ना, उसको आपको हल्का सा ट्विस्ट करना है बस, और फिर उसे पेटीकोट में टक कर दें। इससे नीचे की तरफ कोई झोल नहीं आएगा, कोई ट्विस्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी कमर की प्लीट्स पर। तो देखिए, मैंने कमर की प्लीट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बॉर्डर है ना, उसको हल्का सा प्लीट्स के साथ अरेंज कर लें और एकदम स्ट्रेट रखना है, बॉर्डर को मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है साड़ी की पिन को, और ये साड़ी की पिन जो क्या कह सकते हैं, फैंसी वाली जो पिन होती है ना, उसको यूज़ किया है। शोल्डर प्लीट्स के लिए मैंने जो प्लीट्स हैं उनको बना ली हैं, बट लास्ट में कई बार ऐसा होता है प्लीट्स एज इट इज़ बन जाती है, तो इसके लिए ना आपको एडजस्ट करना है और चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर देना है। तो देखिए, प्लीट्स हो गई ना सेट। अब एक बार शेक ज़रूर कर लें। शेक मैं इसलिए बोलती हूँ करने के लिए, इससे अंदर जितनी भी प्लीट्स अनइवन हो रखी होगी ना, वो अपने आप सेट हो जाएगी। और जब आप प्लीट्स अरेंज करने बैठेंगे ना, तो आपकी प्लीट्स फटाफट अरेंज भी हो जाएगी और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपकी साड़ी का बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो उसको डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में, ठीक है, और फिर उसके बाद अरेंज करना शुरू करें। अगर साड़ी का बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो उतने ही चौड़े बॉर्डर के साथ प्लीट्स अरेंज कभी भी ना करें। अदरवाइज़ आपकी साड़ी का बॉर्डर बहुत चौड़ा होने के कारण आपका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही गॉर्जियस लुक क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, मेरी साड़ी का जो बॉर्डर था वो बहुत चौड़ा था, बट मैंने उसको अंदर की तरफ से ट्विस्ट कर लिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि साइड की कमर की जो टाइट फिटिंग है वो नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बैक साइड हमने साइड में जो कपड़ा टक किया था ना, उसके अंदर से हाथ इंसर्ट करना है और फिर
साड़ी के अंदर मतलब प्लीट्स के अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को खींचना है जो ढीला हो रहा था, और फिर उसे ट्विस्ट करके पिन से सिक्योर कर दें। अब आपको ये नहीं देखना है कि यार वो पेटीकोट के अंदर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, नहीं, जहाँ पे वो कपड़ा टाइट करने के बाद आता है वहीं पर बस आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर लें, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब ऊपर की तरफ से जो प्लीट्स हैं उन्हें वन बाई वन अरेंज कर लें, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जब आप बॉर्डर हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रहे हैं इतना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर ही शो करना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लीट्स को अरेंज करना है। आपने बस्ट एरिए के पास देखा होगा कि जो प्लीट्स हैं ना वो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ना एक बार जब सेट हो जाएगा तो वो ऑड नहीं लगेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि यार चौड़ी बॉर्डर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो बेकार दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब अरेंज हो जाए तो बॉर्डर हटा के और फिर पिन से सिक्योर करें। अब देखिए कि कितनी अच्छी प्लीट्स अरेंज हो चुकी हैं। बट अगर शोल्डर प्लीट्स यानी जो पल्ला है नीचे की तरफ उसकी प्लीट्स अगर अरेंज ना हो तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स जो भी आपने बना रखी थी उन्हें ऐसे एक बार सेट करना है, और फिर सेट करने के बाद इन्हें आपस में स्ट्रेच करके और फिर रोल कर लें। रोल करने से पता है क्या होता है, हाथ से हम उन्हें प्रेस करेंगे, और जब हम प्रेस करेंगे ना तो पता है क्या होगा, ये जो प्लीट्स है ना वो एकदम सेट हो जाएंगी, परफेक्ट दिखाई देंगी और अरेंज हो जाएंगी, और जो खुली खुली सी लग रही थी ना वो भी नहीं होगी। नीचे की तरफ से अगर प्लीट सेट ना हो तो आप झुक जाएं चाहे वॉल का सहारा लेके, और फिर इन्हें इन प्लीट्स को इस तरीके से अरेंज करके मोड़ के फोल्ड करके और फिर हाथों से प्रेस कर लें, तो देखिए आपकी प्लीट्स कितनी अच्छे से अरेंज हो जाएगी। अगर आप हैवी साड़ी पहन रहे हैं और बॉर्डर वाली साड़ी पहन रहे हैं और आपने इन टिप्स का ध्यान रख लिया ना गाइस, मैं आपको सच में कह रही हूँ आप अपनी साड़ी को परफेक्ट तरीके से पहन पाएंगे और कमर के पास तो टाइट फिटिंग आ ही जाएगी। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा वेट रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आपको और किस स्टाइल की साड़ी ड्रेपिंग चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताना ज़रूर। अगर आप मुझसे साड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।